हेलो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करवा कि आम ओपीसी एग्जाम आउ 45 डेज रहा, तो तापी आम स्ट्राटेजी कौन हबार अच्छे। तो ओपीसी तो दे दीजिए आपणकर सब टाइम टेबल कि टेंटेटिवली अक्टोबर 15 को आपणकर एग्जाम हो पाए, तो से आउ हाथ में आम 45 डेज ही रहा। तो जेहेतु 45 डेज ही टाइम रहा, तो आम मैंने समय कौन कर, तो ये जो 45 डेज को जब परफेक्टली यूटिलाइज कर ताहले आमे जो आम प्रिलिम्स जो हर्डल अच्छे आमे क्लियर करी। ओके, तो आम ये देखिए किसी जिनस देखिए मेनली आम स्टडी प्लान कौन हमारे अच्छी, व्हाट शुड बी आवर स्टडी प्लान। तापर आम देखा आमर सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ार अच्छी, सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ार अच्छी, देन आम पढ़ा तुम मॉक टेस्ट कौन दबार अच्छी, मॉक टेस्ट। ओके, देन आम देखा आमर टाइम टेबल केमी कौन कर, आउ तापर आम देखा कि आमे जो 45 डेज अच्छे केमी डिवाइड करके आम एक्चुअली परफेक्टली यूटिलाइज करवा। 45 जो डेज अच्छी आम परफेक्टली यूटिलाइज केमी करवा, तो सही आम देखा। ओके, तो आमर प्रथम जिनसटा है रिवाइज आवर बेसिक। तो आम कौन कौन सब्जेक्ट अच्छी, फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, हिस्ट्री देन आमर कौन अच्छी ज्योग्राफी अच्छी, ज्योग्राफी अच्छी देन आमर पॉलिटी अच्छी, पॉलिटी देन फोर्थ आम कौन अच्छी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी अच्छी। ओके, देन आमर जनरल साइंस, जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक अच्छी, देन आमर कौन अच्छी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ओके, देन आमर करेंट अफेयर्स अच्छी, तो एत ही सब्जेक्ट आमर अच्छे। सो आई होप आपण मैने सबू जी आम स्टैटिक पार्ट अच्छी ताकू रिवाइज करदी भी पढ़ी ना, तो मेन मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छे स्टैटिक पार्ट रे, तो ताकू मुझे डिस्कशन कराइबी। तो सेगा कम से कम जो बर्तमान 30 डेज अच्छी, 30 डेज रे कम से कम आम प्रायोरीटी वाइज, तो आम प्रायोरीटी नहीं जाए कौ कौ सब्जेक्ट को पढ़वार अच्छे। तो प्रायोरिटी वन आम रही है इंडियन पॉलिटी, कारण यहाँ बहुत सहज सब्जेक्ट, तो यूर कम से कम 12-15 भितर क्वेश्चन आसो सब वर्ष आसे आस 12-15 आराम से 10-12 क्वेश्चन आमर ठीक हो पार। ओके, तो आर थर कटअप अराउंड 71 कटअप जाता, जब पॉलिटी भी आम 10-12 क्वेश्चन ठीक हो पार्चे, 10 × 2 के 20 मार्क आसगला। ओके, देन आम प्रायोरिटी देखिए आम 2 आउ 3 ये जो सब्जेक्ट रमर जियोग्राफी रियोग्राफी मेनली आम फोकस कर फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी तापर आम अच्छी इंडियन जियोग्राफी, तापर अच्छे आमर ओडिशा जियोग्राफी। तो आम मेन फोकस कौटा करा आम फिजिकल जियोग्राफी भी फोकस करा। ओके, कारण फिजिकल जियोग्राफी बहुत कनसेप्ट ओरिएंटेड, तो यापाई आम यदि पूरा भलसे पढ़ीदे तो आमर फिजिकल जियोग्राफी जहाँ भी क्वेश्चन आसो तो आम ठीक हो, अराउंड 4-5 क्वेश्चन आम फिजिकल जियोग्राफी क्वेश्चन आसो, तो सेथिरु जदि आमे 3टा क्वेश्चन ठीक करले तो आमर 6 मार्क पळेला। ओके, इंडियन जियोग्राफी सेमिति आमर 3-4 क्वेश्चन आसीबो। ओके, सेथिरु भी आमे 3टा क्वेश्चन ठीक करले हला, सेथिरु भी आमर पळे आसीबो केते पळे पाखा पाखी 6 मार्क पळेला। ओके, देन आमे ओडिसा जियोग्राफी क्वेश्चन कोन आसीबो जानिनि, देखिबा आमे एथरो क्वेश्चन देखले जाना पडिबो केते कोन क्वेश्चन आसुची। ओके, देन आमे देखिबा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो हाँ मुझे कहवा चाहूँगी जब फिजिकल जियोग्राफी कहार भी किसी इश्यू अच्छे देन आम आम यूट्यूब चैनल फिजिकल जियोग्राफी क्लास अपलोड कर देचु, तो जाइक देखिपर मैं पूरा भलसे एक्सप्लेन होकर देखिपर। देन आमर कौन आस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो यूट्यूब आम अराउंड 10-12 क्वेश्चन आसे है, आम जियोग्राफी आउ इकोलॉजी एनवायरनमेंट मिसिक कम से कम 22-25 क्वेश्चन आसो, तो से 22-25 क्वेश्चन रू जब आम आराम से 10-12 क्वेश्चन भी करदे तो ताहले भी आम पाखापाखि मानने 24-25 मार्क पलि आसो। ओके, तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट मुझे मानुची अराउंड 12 क्वेश्चन आसो, मन कर 12 क्वेश्चन आसा, 12 क्वेश्चन आसे जब आम 7टा क्वेश्चन ठीक करदे तो आम पलैला 14 मार्क्स। ओके, तापर आम देखिए कौन जनरल साइंस आउ साइंस टेक, देखो जनरल साइंस भी आम एनसीईआरटी पढ़ार अच्छे, साइंस टेक आमर जहाँ भी करेन्ट अफेयर्स अच्छी से पढ़ीदे भी चलो। ओके,
एंड आई होप जनरल साइंस एंड साइंस टेक रू मिसे की अराउंड 8 क्वेश्चन आसो, तो 8 क्वेश्चन लगे आम 4 क्वेश्चन ये ठीक करदे ये आम 8 नंबर मिलगला। ओके देन आम देखा इंडियन इकोनोमी, देखो जो 1 रू 5 पर्यटन नौ आम प्रायोरीटी ऑर्डर में, देन इंडियन इकोनोमी, इंडियन इकोनोमी तो इंडियन इकोनोमी ऊपर भी आम कत क्वेश्चन आसो अराउंड 10 क्वेश्चन आसो, तो 10 क्वेश्चन यदि आम 5 टू 6 क्वेश्चन भी ठीक करले कम से कम 10 रू 12 मार्क पाइगले, 10 रू 12 मार्क पाइगले। तापर आमर आसो हिस्ट्री, ओके हिस्ट्री आम 3टा पार्ट अच्छी कह 4टा पार्ट अच्छी, गोटे एनसीएंट आसला, गोटे मीडियल, गोटे मॉडर्न मॉडर्न आ गोटे आमर ओडिशा। तो ओडिशा पार्ट्र भी जदि आमर टोटल सब मिस क्वेश्चन आम आसगला अराउंड 10 बार या 15 क्वेश्चन पलैला, तो सीट आम 10-12टा क्वेश्चन मैं 5-6टा क्वेश्चन ठीक करदे से भी आम पलैस कम से कम 12 बार पलैस है। आम जा कौटी करेन्ट अफेयर्स को, करेन्ट अफेयर्स को तो सेठ भी कम से कम आमर 15-20टा क्वेश्चन आसपे 10-15-20 से 5टा क्वेश्चन ठीक करदे से पलैस 10 मार्क। तो हिसाब करते हम के 10, 22, 34, 42, 46, 56, 62, 68, 88 अराउंड 8 मार्क ये पड़ेगा आम। ओके तो प्रीलिम्स क्लियर करते डिफिकल्ट नुहे कि आमको प्रॉपर स्ट्रेटजी सहित आम जी पड़ो, प्रॉपर स्ट्रेटजी कौटी आम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक्चुअली आउटपुट अधिक मिलेगा, आम जिते भी इनपुट देवा तार आउटपुट कौटी आमको अधिक मिलेगा। तो यही 30 डेज रे आम जो 5-6टा सब्जेक्ट अच्छी पर सब्जेक्ट हिसाब से 5 डेज ही दे पार, तो से आमको बहुत इंपोर्टेंट जो टॉपिक गुड़ा अच्छी आम देखा है, तो देखिए आम रिवाइज करवा। देखो ए जियोग्राफी बेस दिन टाइम नबनी जोटा भी हार्डली 3 टू 4 डेज नब, इकोलोजी एनवायरमेंट जो मैंने बेसिक बेसी टॉपिक जो अच्छी से हार्डली 2 टू 3 डेज नब, जनरल साइंस टेक सी भी हार्डली 3-4 डेज नब, इंडियन इकोनोमी टिके वास्ट रही है तथा यदि आमर मेनली यदि स्टैटिक पार्ट भी कवर करदे सी भी 3-4 डेज नब, केवल आम अधिक टाइम नब हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी भलसे रिवाइज करा पड़ो कारण तार जितकी भी क्वेश्चन आसो आम भूल करार ही ना। ओके देन आम देखा आमर प्लान कौन रही अच्छे, देख डेली प्लान आम देखा डेली प्लान आम कौन करवा है, प्रति 2 दिन मान प्रति 2 दिन इंटरवल आमको गोटे मॉक टेस्ट दवा पड़ो, मॉक टेस्ट जेकोसी क्वेश्चन पेपर नहीं जाओ, जेकोसी कोचिंग सेन्टर क्वेश्चन पेपर नहीं जाओ, ताको घरे बस अटेंड करो कि कोचिंग सेन्टर जाकि अटेंड करो से आपको डिपेंड कर मॉक टेस्ट कौन 2टा पार्ट आसमर GS1 आउ सी सेट पेपर है। GS1 तो आम समस्त पढ़ुंट कि सी सेट पा मैंने भूली जाऊँ सी सेट को आम अधिक प्रायोरीटी दूना कि 66 मार्क रखी न पारा देन ये आम पेपर GS1 पेपर 1 आमर इवालुएट हम ना, तेणु आमको सी सेट पेपर को भलसे देखा पड़ो कम से कम आम सी सेट फेल हबार ना है, तो सी सेट फेल हबार ना आम कौन कर कम से कम क्वांट आउ रिजनिंग ये दुटा गोटे भलसे देखीदे। ओके आ सी सेट कम से कम 5टा पेपर आम सल्व कर बिफोर प्रिलिम्स एग्जाम। ओके आ GS1 कम से कम आमको 15टा पेपर सल्व कराक पड़ो, आम हाथ में 45 डेज अच्छी आमको मानने 15टा पेपर सल्व कराक पड़ो, मनकर आम 5टा सब्जेक्ट अच्छी 5टा सब्जेक्ट हर मानने प्रति सब्जेक्ट रू 3-3टा पेपर सल्व करा पड़ो 3टा पेपर 3 पेपर इच है, यहाँ प्रति 2 दिन थर थे मानने गोटे पेपर आमको अटेम्प्ट करा पड़ो कत 15, 5, 20 20टा पेपर है, तो तुमको 40 डेज तुम सरीज पेपर सरीज मानते जी 15, 5, 20टा पेपर तुम सरीज कितु एम देखार अच्छे कि आम GS1 जो जो पोर्सन आम भूल कले जो पोर्सन आम रंग कले जो पोर्सन आम रंग कले ताकु जाएंगी आमे बुक को रिफर करिबा, तो बुक रिफर कले कौन हम जोटा भूल कर नेक्स्ट टाइम आमको आमर भूल हम ना, आम एमती स्ट्राटेजी जीवा मॉक टेस्ट तो करवा तार आंसर देखा तार आंसर को बैकलिंग करी आम तर स्टैटिक पोर्सन जहाँ अच्छी करेन्ट अफेयर्स पोर्सन जहाँ भी अच्छी आम देखा। बर्तन आम देखा आउ गोटे जिनस देखा कि आम डेली कौन कौन कर। ओके डेली प्लान आम कौन कर, तो बर्तमान आमर जो अमाउंट ऑफ और आवर्स ऑफ स्टडी ताको आमको बढ़िया अच्छे आमको 8 आवर्स स्लीप
8 आवर्स स्लीप 4 आवर्स आमर अदर वर्क ओके आमर रहा 2 आवर्स कम से कम रेस्ट किंबा ब्रेक बिटवीन स्टडीज आउ जो रहा 10 आवर्स आमको पढ़ियार अच्छे पूरा भलसे पढ़ियार अच्छे तो से टाइम टेबुल फिक्स कर दियो बर्तमान आम एग्जाम हम के मन कर 9 बेल एग्जाम हो तो आम बॉडी को से भाई हिसाब से आम मोल्ड कर रखे कि आम 9 बेलू पूरा फ्रेश फिल कर तो से पड़िया आम 12 to 8 शो पड़ जदि अधिक भी मैंने पूर्व कर चाहो मैं शोक चाहो देन 10 to 6 शो पड़ 8 घंटा निद निदि निद न नब ताले जो जहाँ भी पढ़ा आमर किसी मन रहीके जदि मन 10 to 6 आम शोचे देन आम स्टार्ट पढ़ापढ़ी स्टार्ट करवा 7 o'clock तो 7 o'clock रु आम 9 o'clock गोटे सब्जेक्ट पढ़ा 7 o'clock रु 9 o'clock देन 9:30 रु 11:30 गोटे मॉक पेपर सॉल्व करवा ओके देन 12 रु 1 आउ गोटे सब्जेक्ट पढ़ा देन 1 रु 2 आमर लंच रहइबो देन आमर कौन रहइबो आमर 2 to 3 गोटे नाप रहइबो शॉर्ट नाप एटा वेस्टेज बोली टाइम में वेस्टेज जो भावनी ये जो पावर नाप नबा एक्चुअली आम जहाँ खाई सारापर भी जहाँ भी आमको मानते लेथार्जी लगे जहाँ भी लगे ये आमको एनर्जी दबो तापर आम स्टार्ट करवा 3 to 6 ये आउ गोटे सब्जेक्ट पढ़ा तो सब्जेक्ट एटी पढ़ले कौटा एटी गोटे पढ़ले एटी गोटे पढ़ले एटी गोटे पढ़ले देन आम स्टार्ट करवा 6 7 to 9 7 to 9 एटी आउ गोटे सब्जेक्ट पढ़ा ओके तो डेली आम के सब्जेक्ट पढ़ले 1 2 3 4 ये जो बार जो एक अच्छे ये आम करेन्ट अफेयर्स पढ़ीपर है तो कते घंटा पढ़ले आम 2 1 3 3 3 2 3 3 6 6 3 9 6 2 8 ओके 7 to 9 के 2 hours 9:30 to 11:30 के 2 hours देन 12 to 1 hour देन 3 to 6 3 hours देन 7 to 9 2 hours 3 2 5 6 2 8 2 10 10 ओके 10 गला तो गोटे दिन आम क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कले 9:30 to 11:30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कले तार जो आंसर सीट अच्छी नेक्स्ट डे आम देखा है ये भाग कले कौन हम आमर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व होगा मॉक पेपर सॉल्व होगा आम स्टैटिक क्वेश्चन भी सरीगला आमर करेंट अफेयर जो प्रतिदिन घंटा घंटा देखुं तार करेन्ट अफेयर्स भी सरीगला ओके तो आमर अराउंड 30 to 35 डेज भितर आमर पूरा सब सरीज है मॉक टेस्ट भी सरीज आमर स्टैटिक क्वेश्चन भी सरीज तो तापर आम जो मानते 10 days रो 10 days पूरा रिवाइज करवा जहाँ भी आम भूल कर हला जो 10 days रहा आम आमर जो जहाँ भी भूल करवाइज करवा ओके देन प्रीवियस क्वेश्चन जब थी आमर हाँ यही भितर आम जी यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे भी देखेद यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन कारण रिपीट हो पाए प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट हो पाए है तो यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन देखे लास्ट फाइव इयर्स एटलिस्ट जदि टाइम ना लास्ट 5 years क्वेश्चन एटलिस्ट देखी दियो है ओपीएससी लास्ट 5 years क्वेश्चन लास्ट 5 years क्वेश्चन देखी दियो तो आम यूट्यूब चैनल भी आम लास्ट ओपीएससी लास्ट 5 years क्वेश्चन आम अपलोड कर देचु सेटा जाई देखिपर है तो ये भाई आम 45 days आम प्रॉपर यूटिलाइज करवा आम पर पूरा प्रॉपर पूरा ग्राउंड रही जे आम मॉक पेपर सॉल्व कर स्टैटिक भी पढ़ी आसती करेंट अफेयर्स भी पढ़ी आसती आमर आम प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे भी आम सॉल्व करके आसती तो आम किसी ग्राउंड ही नहीं आम फेल हवा ओके 600 पोस्ट अच्छी तो आराम से 8000 पिला कि 10000 पिला जी 8000 पिला तुम सिलेक्शन देवे ओके तो आराम से रहीपर अच्छे देन टाइम टेबल जो कहली टाइम टेबल से हिसाब से फिक्स कर दियो अराउंड 10 hours स्टडी 8 hours स्लीप 4 hours अदर वर्क योर डेली वर्क देन 2 hours एन अदर वर्क और अदर वर्क लाइक शॉर्ट ब्रेक जो तुम नैप कहली शॉर्ट ब्रेक ये भलसे टाइम टेबल वाइज करदे देन आमर
सिलेबस भी कवर हो सिलेबस भी कवर हो आमर पी वाई क्यू भी कवर हो ओके आमर तापर कौन प्रीवियस मॉक टेस्ट भी कवर हो मॉक टेस्ट भी कवर हो तो आम गोटे कॉन्फिडेंस सहित आम जा एग्जाम दवापी तो जो 10 डेज रही है 35 डेज भेजे सरी जनरली सबकि सर 10 डेज रिवाइज आमर मंत्र ये रही रिवाइज रेक्टिफाई एंड रिवाइज तो रिवाइज कल जोटा भूल है रेक्टिफाई कल देन रिवाइज कल ओके एति कले 3 आर प्रिंसिपल आम जा 3 आर रिवाइज रेक्टिफाई रिवाइज रिवाइज रेक्टिफाई रिवाइज साइक्लिक फॉर्म जा तो जहाँ भी रेक्टिफाई कले आमर इम्प्रुवमेंट कले तो एमती कौन हम आम इम्प्रुवमेंट हम इम्प्रुवमेंट ओके देन मॉक टेस्ट कहली मॉक टेस्ट में तुम कौन कर प्रथम तो पी वाई पी जी है कारण से ही बेसीस क्वेश्चन आसो तापर जेकोसी ओडिशा बेस्ड देख यूपीएससी क्वेश्चन करके ठीक अच्छे कि मेनली तुम जेहतु ओपीएससी दौच तो ओपीएससी निजर ओडिशा विषय भी किसी क्वेश्चन पचाई पारे तो ओडिशा बेस्ड क्वेश्चन देखेद ओडिशा बेस्ड जहाँ भी अच्छी मानने टेस्ट सेन्टर अच्छी जहाँ टेस्ट रिजल्ट दौरान ओडिशा बेस्ड मॉक क्वेश्चन आम सल्व करवा मॉक टेस्ट बाय इंस्टीट्यूशंस बाय एनी इंस्टीट्यूशंस तो तार आम सल्व करवा कारण से ओपीसी रही हम ओपीसी जो पैटर्न अच्छी ताऊपर ही हम आउ गोटे कथा मोस्ट इम्पोर्टेंट नेवर फॉरगेट सी सैट नेवर फॉरगेट सी सैट नेवर फॉरगेट इम्पोर्टेंट यदि सी सैट फेल हल तो पूरा फेल आ सी सैट कौन कम से कम क्वांट आउ रीजनिंग क्वांट आउ रीजनिंग यू भलसे करो तो भलसे यदि सल्व कर फेल होवार चांसेस पूरा कमी जी आउ प्रायोरिटाइज करदेव सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करदेव जो कहली पॉलिटी देन ज्योग्राफी देन इकोलोजी देन साइंस टेक देन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स देन हिस्ट्री छटा सब्जेक्ट है देन करेंट अफेयर्स है सतटा सब्जेक्ट आमको भलसे पढ़ी जावाक पड़ो ओके तो फ्रेंड्स मुझे आप प्रॉपर सजेशन रहिबो सो थैंक यू थैंक यू जदि कार किसी क्वेरी थिबो ओके सो थैंक यू जदि कार किसी क्वेरी थिबो तो हमरो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दियो ओके ऑल द बेस्ट